उठा दे चलो नहीं 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 सर असली ने मुहर होता है ना एकशे दहा आजचा काल चालला त्याला 110 करता येईल आपल्याला आता तो ठीक आहे पुलिस ने एक लड़के को गिरफ्तार किया है जो अन्य लड़कियों को असली मैसेज किया करता था क्या है मामला एक नवंबर 2022 को हमारे यहाँ पर एक कंप्लेंट आए थे उन्होंने हमें बताया कि उनकी जो 14 साल की लड़की है स्कूल जाने वाली 10वीं में पढ़ती है उसको कोई गंदे मैसेजेस और वीडियो एक नंबर से आ रहे हैं तो हमने तुरंत उनका केस दर्ज किया और हमने तहकीकात की तो हमें पता चला कि वो जिस नंबर से आ रहे थे वो सब फ़ोन वगैरह बंद हुए थे। उसके बाद हमारे जो साइबर डीओ है धीरज बाइकोस और उनकी टीम ने उनका टेक्निकल एनालिसिस किया और अभी 3 महीने के बाद हमें उसका पता चला। पता चलने के बाद उसको हमने एक हमारे गुने में अरेस्ट किया है तो उसके मोबाइल्स वगैरह जो उनके हाथ में थे वो सब सर्च करने के बाद पता चला है कि उसने बहुत सारे मैसेजेस ऐसे किए हैं। सर आरोपी का बैकग्राउंड क्या है, क्या अभी किसी और पुलिस स्टेशन में इस तरह के उसके ऊपर मामले दर्ज हैं? आरोपी कुछ काम धंधा नहीं करता है, मलाडीज में रहने वाला है तो अभी और उसने क्या क्या किया है उसकी तहकीकात चालू है। आप करने का मोडस क्या रहता था कि वो असली मैसेज क्या करता है अननोन नंबर पे हो वो पकड़ा नहीं जावे और इसीलिए वो दूसरे नंबर से करके लोगों को लड़के लोगों को तकलीफ देता है। तो अब तक उसके मोबाइल से कितना डेटा बराबर कितने लोगों को किया होगा अननोन नंबर से? बहुत सारे किए हैं, डेटा भी बता नहीं सकते लेकिन हम दूसरे पुलिस स्टेशन को भी अपील करना चाहते हैं कि वो देखिए ऐसा कुछ है तो हम जो हमारे पास जो नंबर है IMEI नंबर है वो उनको प्रोवाइड करेंगे उससे वो ढूंढ सकते हैं। जनता को क्या मैसेज देना चाहिए अगर किसी को असली मैसेज या वीडियोज आते हैं तो क्या करना चाहिए? जनता को हम यही अपील करना चाहते हैं कि अगर ऐसा अश्लील मैसेजेस आते हैं वीडियोज आते हैं तो तुरंत पुलिस को जाके वो कंप्लेंट करे और उसके बाद पुलिस उसको ढूंढ निकालेगी। अभिला पटकला है जे नाबालिग लड़केला अननोन नंबर से नहीं उसका समझ गया छोड़ो। हाँ दिनांक 1 नोव्हेंबर 2022 साली आमच्याकडे एक तक्रारदार आले आणि त्याने कळवलं की त्यांची 10वी शिकणारी जी 14 वर्षाची मुलगी आहे तिच्या मोबाईलवरती अश्लील मेसेजेस आणि अश्लील व्हिडिओज एका नंबरवरून येत आहेत। ही तक्रार केल्यानंतर आम्ही तात्काळ आमच्या पोलीस ठाण्यामध्ये त्या अज्ञात इसमाविरुद्ध आणि जो मोबाईलधारक आहे त्याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद केला आणि त्याच्यानंतर जे माझ्या पोलीस स्टेशनला कार्यरत असलेले सायबर डीओ आहेत धीरज वायकोस आणि त्यांची टीम सतत त्याबाबत पाठपुरावा करत होती आणि आता आम्हाला माहिती मिळालेली होती की बाबा या इसमाने असे असे मेसेज केलेले आहेत आम्ही त्याला आणलं आणि त्याचा आम्हाला टेक्निकल पुरावा मिळाला आणि त्याच्यानंतर त्याला आम्ही या गुन्ह्यामध्ये अटक केलेली आहे। अटक केल्यानंतर त्याच्याकडे जे मोबाईल्स मिळाले त्याच्यामधून आम्हाला अशी माहिती मिळाली की त्याने बऱ्याच लोकांना असे अश्लील मेसेजेस केलेले आहे, त्याने कोणाकोणाला केले त्याबाबत आमचा तपास चालू आहे। आता आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे आणि त्याला न्यायालयीन कोठडी रिमांड देण्यात आलेला आहे। आरोपीचा बॅकग्राऊंड काय आहे? आरोपी काही कामधंदा करत नाही, मलाड ईस्टला राहतो एवढी माहिती मिळालेली आहे। जनतेचे मेसेज काय? जनतेला एकच मेसेज आम्ही देऊ इच्छितो की जर तुम्हाला असे अश्लील मेसेजेस अश्लील व्हिडिओ जर कोणी पाठवत असेल तर तात्काळ तुम्ही त्याबाबत पोलिसामध्ये तक्रार करा आणि पोलीस त्यांचं काम करेल।